नमस्कार। देश की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे पास ऐसे मुस्तैद ऑफिसर्स हों जिनकी जाबाज निगाहें हों और चौकस निगाहों से वो हर बात का ख्याल करते हों। एक ऐसे ही ऑफिसर जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी चौकस निगाहों से हिन्दुस्तान को महफूज रखा, डॉक्टर विक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे हैं, इस समय नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतने ताकतवर, इतने चौकस निगाहों वाले अफसर आजकल क्यों नहीं मिलते हैं? कहा यह जाता है कि पुलिस का कार्य एक तपस्या है, और तपस्या में एक रूपता, अगर आप पुलिस का कार्य संपादित कर रहे हैं तो बाकी काम से आप अपने को विरक्त माने, क्योंकि पुलिस का काम करते हुए अगर आप कोई अन्य काम में या किसी अन्य किसी गंभीर शौक पे संलिप्त हैं तो पुलिस आपका जीवन लक्ष्य नहीं हो सकता है। मसलन, अगर हम लोग पुलिस एकेडमी में आए थे तो लोगों का आपका विवाह अब पुलिसिंग से हो चुका है, अगर वो विवाह है तो उसमें किसी अन्य किसी सौत की कोई जगह नहीं है। मॉल में टहलना, घूमना, शौकीनी, तफरी, फैशन परस्ती या इस प्रकार की शौकीन मिजाजी, तो आपने अगर ये देखा होगा आज तो हेयर भी नहीं है, लेकिन हेयर स्टाइल यही थी कि एक बार दो महीने में जा करके आप ऐसी हेयर स्टाइल ले लें, वो पुलिसिंग हेयर स्टाइल थी। वो कपड़े पहने जिसमें ज़्यादा शौकीनी के ना हो, बिना स्त्री के भी पहन लें तो भी ठीक है। निरंतर व्यायाम करना, और आपका जीवन ध्येय क्या होता था, अंडरवर्ल्ड के बारे में अपने से ज़्यादा अच्छी जानकारी करना। अगर आप अपने व्यवसाय को 14-15 घंटे नहीं दे सकते हैं तो कदाचित आप पुलिस के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते थे। सर, एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया है, आमतौर पर माना जाता है पुलिस जो है आम आदमी की हिफाजत के लिए है, और जब पुलिस हो तो आदमी सुरक्षित महसूस करे, अब उल्टा हो गया है। आम आदमी पुलिस की वर्दी देखकर ही डरता है कि और सबसे तो निबट लेंगे, इनसे निबटना मुश्किल काम है। ये स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपका वास्तविक स्वामी कौन है। ये जनता है, इस जनता के ही टैक्स से, कर से तनख्वाहें पुलिस विभाग की आती हैं, और उन्हीं की सुरक्षा सेवा के लिए पुलिस विभाग का गठन हुआ है। अगर वो अपने को पीड़ित भयाक्रांत मानते हैं पुलिसकर्मी को देखे, कहीं बहुत बड़ी त्रुटि विभाग से हुई है जो इस प्रकार की भावना, गलती से ही, लेकिन अगर ये भावना है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, नहीं होना चाहिए। उसके कई कारण हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हुई कि अब जो सबसे बड़ी बात आती है पुलिस में, बहुत सारे लोगों से हमारी चर्चा होती है, वो कहते हैं कि एक बड़ा बदलाव यह है कि भ्रष्टाचार जो है, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना भी पुलिस का बड़ा काम है, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभागों में पुलिस को माना जाता है, और उसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है कि खासतौर से निचले स्तर पर, मतलब आईपीएस ऑफिसर्स को छोड़ दिया जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, तो उन पुलिस ऑफिसर्स की या जो हमारे पुलिस हवलदार हैं या लेवल के लोग हैं उनकी तनख्वाह इतनी कम होती है कि वो बिना भ्रष्टाचार के काम ही नहीं चलता। मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार का कोई तर्क हो ही नहीं सकता है। मैं जब सेवा में सन 74 में आया था तो तनख्वाहें बहुत कम, और आईपीएस अफसरों को भी मैंने साइकिल पर चलते हुए देखा था। लेकिन फर्क इतना हो गया है कि जब मैं 74 में आया था तो मुझे ये कहा था कि प्रदेश में केवल 3 ऐसे आईपीएस अफसर हैं जो भ्रष्ट हैं। आज शायद 3 ऐसे अफसर ढूंढना मुश्किल होगा जिनको आप सत्यनिष्ठ कह सकते हैं। और सिपाही वगैरह की तनख्वाह, आज जो मेरी एसएसपी की तनख्वाह थी उससे ज़्यादा सिपाही की तनख्वाह है। सिपाहियों के घर आप जाएं, आपको संतोष होगा कि उनके यहाँ 2-व्हीलर्स, छोटी कारें, टीवी, उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे जहाँ हमारे आपके बच्चे पढ़े थे, तो ये एक संतोष का विषय है। और रही अरमान, तो सिकंदर और सम्राटों के पूरे नहीं हुए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी, बच्चों की ट्यूशन फीस और अपने छोटे मोटे शौक पूरे कर सके, तो सिपाही की तनख्वाह आज बिल्कुल पर्याप्त है। आईपीएस ऑफिसर्स की तनख्वाह तो इतनी कि वो एयर से ट्रैवल कर सकते हैं, छुट्टी जा सकते हैं, भ्रष्टाचार का कोई तर्क नहीं है। और अगर आपको समझते हैं कि इस सीमित संसाधनों में आप सुखी नहीं रह सकते हैं तो किसी और व्यवसाय का चयन करें, कॉरपोरेट वर्ल्ड है वहाँ जाएं, लेकिन पुलिस में अगर है तो जो पे कमीशन जो सरकार निर्धारित करती है उसके ऊपर सोचना भी पाप ही नहीं है, मैं समझता हूँ कि गुनाह भी है और दंडनीय भी है। सर, आपने अभी बहुत अच्छी बात का जिक्र किया कि पुलिस का जो स्वामी है या जो हमारी सेवा है उसका स्वामी है जनता, लेकिन आज जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ करीबी दिखाने के लिए, उनकी स्वामी भक्ति दिखाने में लगे रहते हैं, और वो समझते हैं कि उनको अच्छी पोस्टिंग के लिए, अच्छी जगह जाने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स के साथ लीनेज रखना चाहिए। आप इसको ठीक एक व्यवस्था समझ रहे हैं?
मैं भी इसको आपत्तिजनक यूँ मानता हूँ, पॉलिटिकल लीडर के पास सामीप्य पैदा करना भी एक मानसिक भ्रष्टाचार है। मानसिक भ्रष्टाचार क्यों? क्योंकि वो उनके माध्यम से तथाकथित मलाईदार पोस्ट लेंगे। मलाईदार पोस्ट क्यों चाहते हैं? जहाँ सुख सुविधा और भ्रष्टाचार के पर्याप्त अवसर हों। आप ऐसी जगह क्यों जाना चाहते हैं? आपको तो ये कहने, जहाँ कोई न जाना चाहे आप हमें वहाँ भेजिए। क्या व्यवस्था में क्या बदलाव हो सकता है? आप जैसे लोग जो हैं अब एक नया रास्ता दिखा सकते हैं कि हम कैसे इस सिस्टम को ठीक करें, क्योंकि सेना हमारी बॉर्डर पर रहती है लेकिन आम आदमी का जो रोज का रिश्ता है वो पुलिस के साथ है। अब पुलिस यदि उसे एक ताकत दे तो वो ज्यादा बेहतर, सुरक्षित, सेफ, खुश रह सकता है। सीधा सवाल है, अपनी प्राथमिकताओं को दुरुस्त कर लें। आप सम्मान के लिए आए हैं, सेवा के लिए आए हैं, उसके पर्याप्त अवसर जितने पुलिस में हैं। आपको दरअसल तपस्या करने की तनख्वाह मिलती है पुलिस में। आप चाहें तो कर्मयोगी बन करके जीवन बिता सकते हैं। मेरे 36 साल में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने दुस्साहस नहीं किया कि मेरे साथ अनर्गल प्रलाप करे, क्योंकि मुझे उनसे कोई अपेक्षा नहीं थी। और कानून के अलावा मैंने कहीं देखा नहीं किसी भी राजनेता, चाहे किसी स्तर का हो, उसने ये साहस नहीं किया कि मुझे ये परामर्श दे, क्योंकि वो बड़े अकलमंद होते हैं, उन्हें मालूम है किसको क्या कहना है। मुझे आज तक कोई दबाव नहीं, और अगर किसी ने दबाव की कोशिश की तो शेर को सवा शेर और सूद के साथ वापस भी किया गया। लेकिन आज डीजी होने के साथ मैं अपने पिता के उसी MIG के मकान में रह रहा हूं जो मेरे पिताजी ने दिया था। ये मामूली नहीं, ये मेरा गुरूर है कि डीजी रहने के बाद भी मेरे पास MIG का मकान है। लेकिन हाँ, अगर आप अट्टालिका चाहते हैं, सुख सुविधा चाहते हैं, तो फिर आपको समझौते करने पड़ेंगे स्वाभिमान के साथ और अपने साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहते हैं कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हिंदुस्तान में पैदा हों और वो सम्मान जो है बना रहे। शुक्रिया सर। हम हैं हिंदुस्तान समाचार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।